टीचर्स, आइए आज हम लोग चाइल्ड साइकोलॉजी यानी कि बाल मनोविज्ञान की पढ़ाई आगे कंटिन्यू करते हैं और आज हम चर्चा करते हैं बाल अपराध पर यानी कि जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी पर। आइए शुरू करते हैं बाल अपराध से। पहला प्रश्न तो आपके जेहन में यही आता होगा कि आखिर बाल अपराध होता क्या है, यानी कि बाल अपराध की क्या परिभाषा हो सकती है। पहले हम लोग अपराध की परिभाषा पर चर्चा करते हैं कि अपराध क्या होता है। अपराध कोई भी एक ऐसा कार्य होता है जो कानूनन मंजूर नहीं हो, जो परिवार को या समाज को या देश को मंजूर नहीं हो, जो मानवता के खिलाफ हो, इंसानियत के खिलाफ हो, ऐसे हर एक कार्य को हम लोग अपराध कहते हैं। एक बार फिर से आप ध्यान से सुने, अपराध कोई भी एक ऐसा कार्य जो मानवता के खिलाफ हो, देश के खिलाफ हो, समाज के खिलाफ हो, परिवार के खिलाफ हो, या यूं कहें जो कानूनन मंजूर नहीं हो, जिसे हमारा परिवार, हमारा समाज, हमारा देश स्वीकार नहीं करता है, ऐसे हर एक कार्य को हम अपराध कहते हैं। अगर ऐसे किसी तरह का कोई कार्य बालक बालिकाएं करती हैं तो वही है बाल अपराध। यानी कि बाल अपराध बालक बालिकाओं के द्वारा किया गया एक ऐसा कार्य है जो उनके परिवार को, उनके अभिभावकों को, उनके माता पिता को, उनके पड़ोसियों को, उनके गुरुजनों को स्वीकार्य नहीं है, समाज करने लोगों को, बड़े बुजुर्गों को स्वीकार्य नहीं है, जो देश के कानून को स्वीकार्य नहीं है, जो समाज, परिवार और देश सबके खिलाफ है, मानवता के, इंसानियत के खिलाफ है, ऐसे हर एक कार्य को जो बालक और बालिकाएं अंजाम देते हैं हम उसे बाल अपराध कहते हैं। ओके? अब अगला जो प्रश्न ध्यान में आता है कि बाल अपराध के कुछ उदाहरण क्या क्या हैं? आइए हम कुछ उदाहरणों पर चर्चा करते हैं, जैसे कि माता पिता या अभिभावक या बड़े बुजुर्गों की अवज्ञा करना, यानी कि उनका कहना नहीं मानना, उनकी बात को नहीं मानना, यह भी एक बाल अपराध है। माता पिता या अभिभावक या बड़े बुजुर्गों का अपमान करना, यह भी एक बाल अपराध है। या फिर बालक बालिकाओं द्वारा धूम्रपान करना, नशा करना या किसी भी तरह के ड्रग्स का सेवन करना, हीरोइन, कोकीन, अफीम, चरस, गांजा, स्मैक, ब्राउन शुगर वगैरह या किसी भी अन्य तरह की प्रतिबंधित जो दवाएं हैं उनका प्रयोग कर लेना या किसी भी तरह का नशा करना, बीड़ी, सिगरेट, पान, गुटखा, पान मसाला, दारू, बियर, शराब वगैरह वगैरह, ये सब बाल अपराध है। किसी के साथ भी किसी भी तरह का कोई भी लड़ाई झगड़ा करूं, यह भी बाल अपराध है। चोरी करना या छीना झपटी करना बाल अपराध है। बालकों के द्वारा असभ्य भाषा का प्रयोग करना या फिर किसी के साथ भी गाली गलौज करना, यह भी बाल अपराध है। बच्चे अगर बुरी संगति में पढ़ते हैं तो यह भी बाल अपराध है। बच्चे अगर उद्देश्यहीन होकर के इधर उधर घूमते हैं बेवजह, वह भी एक बाल अपराध है। या फिर बच्चे यौन अपराध करते हैं तो भी बाल अपराध है। या फिर बच्चे किसी तरह के कानून को अगर तोड़ते हैं, किसी संस्था के कानून को या देश के कानून को या किसी भी तरह के कानून को, तो वह भी एक बाल अपराध होता है। अगर बालक बालिकाएं जुआ खेलते हैं या किसी तरह की सट्टेबाजी करते हैं तो वह भी एक बाल अपराध है। अगर बालक बालिकाएं बिना इजाजत किसी के घर में घुस जाते हैं, किसी की गाड़ी में घुस जाते हैं या किसी का कोई सामान ले लेते हैं या किसी सामान को छू देते हैं, उसको हाथ लगा देते हैं या फिर किसी का सामान बिना पूछे इस्तेमाल कर लेते हैं, तो यह भी एक तरह का बाल अपराध ही है। अगर बालक बालिकाएं किसी प्रतिबंधित जगह पर जाते हैं जहां जाना मना है, तो अभी एक तरह का बाल अपराध हुआ। अगर बालक बालिकाएं किसी भी तरह का प्रतिबंधित कार्य करते हैं, यानी कि जिस तरह का कार्य करना मना है, निषेध है, उस तरह का कोई कार्य करते हैं, तो वह भी एक बाल अपराध है। अगर बालक बालिका है घर के किसी सामान को बर्बाद करते हैं, तोड़ते हैं, फोड़ते हैं, या विद्यालय के किसी सामान को बर्बाद करते हैं, तोड़ते हैं, फोड़ते हैं, या सार्वजनिक वस्तुओं को
जो सार्वजनिक वस्तु है उनको तोड़ते फोड़ते या बर्बाद करते किसी भी तरह से नुकसान पहुंचाते हैं तो वह भी बाल अपराध होता है। अगर बालक बालिकाओं के द्वारा झूठ और फरेब होता है, किसी के साथ कोई धोखाधड़ी होती है तो वह भी बाल अपराध है। अगर बालक बालिका है साइबर क्राइम करते हैं, साइबर अपराध करते हैं तो वह भी बाल अपराध है। अगर बालक बालिका है किसी के घर की दीवारों पर, चाहे वो अपने घर की दीवार हो या उनके विद्यालय की दीवार हो या किसी के भी घर की दीवार हो या किसी ऐतिहासिक इमारत पर या किसी सार्वजनिक स्थान पर जा करके कुछ भी अनाप शनाप लिखते हैं, कुछ अनुचित लिख देते हैं तो वह भी बाल अपराध है। अगर बच्चे किसी भी तरह की हिंसा में भाग लेते हैं, प्रतिभाग करते हैं तो वह भी बाल अपराध होता है। अगर बच्चे आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होते हैं या शामिल होने वालों की किसी भी तरीके से मदद करते हैं तो वह भी बाल अपराध है। अगर बालक पत्थरबाजियों में शामिल होते हैं किसी के बहकाव में आकर के तो वह भी बाल अपराध है। अगर बालक देश विरोधी या मानवता विरोधी गतिविधियों में शामिल होते हैं, शामिल होने वाले लोगों का तनिक भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से साथ देते हैं तो वह भी बाल अपराध है। अगर बालक बालिकाएं किसी भी कारण से आत्महत्या करने की कोशिश करते हैं या किसी और को आत्महत्या करने के लिए प्रेरित करते हैं तो वह भी बाल अपराध है। और अगर बालक बालिका यानी कि बालक, खासकर बालक बच्चे लड़कियों को या महिलाओं के साथ कोई छेड़छाड़ करते हैं या उनके साथ किसी भी तरह का कोई भी अभद्र व्यवहार करते हैं तो वह भी एक बाल अपराध है। इतना ही नहीं, और भी बहुत सारे गतिविधियां हैं जो बाल अपराध में आती हैं, तो वो आप खुद सोचें और लिखें। चर्चा करते हैं कारण पर, यानी कि बाल अपराध के क्या कारण होते हैं। बाल अपराध के कई कारण होते हैं, उनको हम यहां पर इस तरह से चर्चा कर सकते हैं, वंशानुक्रम, शारीरिक कारण, पारिवारिक कारण, सामाजिक कारण, आर्थिक कारण, मनोवैज्ञानिक कारण और शैक्षणिक कारण। आइए इन पर हम वन बाय वन चर्चा करते हैं। वंशानुक्रम यानी कि अगर बालक या बालिका के खानदान में पहले किसी पीढ़ी में कुछ अपराधी प्रवृत्ति के लोग रहे हों तो जाहिर सी बात है कि वो प्रवृत्ति जेनेटिकली थोड़ा या ज्यादा कमोबेश तो बालक बालिकाओं में आएगी और इस कारण भी बालक और बालिकाएं अपराधी हो जाते हैं। अगला कारण है शारीरिक कारण, यानी कि बालक बालिकाओं के शरीर में अगर किसी तरह का कोई दोष हो, जैसे कि वो थोड़ा काना हो या फिर थोड़ा लंगड़े हो या फिर थोड़ा हकलाते हो या फिर थोड़ा बहुत तुतलाते हो या फिर कभी कहीं गिर गए हो, चोट खरोच आ गई हो या कभी चेचक हुआ हो जिसका दाग या निशान उनके शरीर पर हो गया हो या फिर उनकी शक्ल सूरत थोड़ी ठीक ना हो, बस सूरती उनके साथ हो या किसी भी अन्य तरह की कोई शारीरिक कमी है तो शारीरिक कमी के कारण उनके परिवार के ही कुछ अन्य सदस्य या उनके पड़ोस के अन्य सदस्य या फिर उनके विद्यालय के कुछ बच्चे या गांव समाज के कुछ लोग या सगे संबंधी के बच्चे या लोग उनको चिढ़ाते हैं, टीच करते हैं या फिर उनको उसके कारण नापसंद करते हैं, किसी वजह से तिरस्कार करते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, पहले तो बालक बालिकाओं के अंदर एक हीन भावना आती है और हीन भावना के साथ साथ बदले की भी भावना आती है और यही दोनों भावनाएं उनको अपराधी में बदल देती है। अगला कारण है पारिवारिक कारण, यानी कि बालक बालिकाओं का अपना जो खुद का परिवार है
वह भी जाने अनजाने में कुछ ऐसे कार्य करता है जिसकी वजह से बालकों के अंदर अपराध आपराधिक प्रवृत्ति आ जाती है, जैसे कि टूटा परिवार। अगर बालक बालिकाओं का परिवार टूटा हुआ है, उनके माता पिता में तलाक हो गया है, या फिर तलाक नहीं हुआ फिर भी उनमें पटती ना हो, आपस में बनती ना हो, वो अलग अलग रहते हो, या फिर परिवार के अन्य सदस्य जो हैं टूट गए हैं, मतलब अलग हो गए हैं, बिखर गए हैं, पहले एक संयुक्त परिवार था, अब परिवार के सदस्य पटदारी वाली बात हो गई है, वो टूट चुके हैं, विखंडित हो चुके, कई एकल परिवार बन चुके हैं। ऐसे चीजों का भी बहुत बड़ा असर, बहुत गहरा असर बालक बालिकाओं पर पड़ता है और फिर उनके अंदर अपराधी प्रवृत्ति आ जाती है। अपराधी सगे संबंधियों का प्रभाव, अगर उनके घर में उनके भाई बहन या चाचा ताऊ या उनके अन्य किसी रिश्तेदारी में कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो अपराधी प्रवृत्ति के हैं, तो उनका प्रभाव भी बालक बालिकाओं पर पड़ता है और धीरे धीरे वो भी अपराधी प्रवृत्ति वाले हो जाते हैं। अशिक्षित माता पिता अगर हैं तो उनको कुछ ज्ञान नहीं होता है कि बालकों की परवरिश कैसे करनी है, उनको क्या ज्ञान देना है क्या नहीं देना, और उनके साथ किस तरह का बर्ताव करना है या नहीं करना है, ये उनको समझ में नहीं होती, ये जानकारी उनको नहीं होती है, तो फिर वो जैसे तैसे अपने बच्चों को नियंत्रित करते हैं, पालते पोसते हैं और फिर बालक अपराधी प्रवृत्ति के हो जाते हैं। कई बार जो अन्य अभिभावक हैं वो भी अशिक्षित होते हैं तो उनकी अशिक्षा का भी बुरा प्रभाव बच्चों के ऊपर पड़ता है, या फिर कुछ बच्चे ही अशिक्षित हैं, उनको शिक्षा नहीं मिली है, या फिर शिक्षा देने की कोशिश की गई वो किसी कारण से शिक्षा नहीं ले पाए, वो अशिक्षित रह गए, या फिर यूं कहें कि निरक्षर ही रह गए। निरक्षरता और साक्षरता में निरक्षरता या साक्षरता का या फिर शिक्षा, उसमें बहुत अंतर होता है, उस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। यानी कि किसी भी कारण से बच्चे निरक्षर हैं या फिर साक्षर हैं लेकिन शिक्षित नहीं है, तो तब भी उनके अंदर अपराधी प्रवृत्ति आने के चांसेस बहुत अधिक होते हैं। अगर परिवार ही अनैतिक है तब तो जाहिर सी बात है बच्चे भी अनैतिक होंगे, यानी कि बाल अपराध तो करेंगे करेंगे। अगर माता पिता या अभिभावक या फिर अन्य सगे संबंधियों के द्वारा बच्चों का तिरस्कार होता है तो फिर बालकों को अपराधी होने से कोई नहीं रोक सकता, तिरस्कार नहीं होना चाहिए। उसके बाद है पारिवारिक कलह। परिवार के अंदर अगर कलह रहता है, आए दिन ही नित्य दिन ही परिवार के सदस्य आपस में नोकझोंक करते रहते हैं, गाली गलौज मारामारी करते रहते हैं, एक दूसरे को डांटते डपटते रहते हैं, एक दूसरे से मुंह फुलौगल होता रहता है, रूठना मानना चलता रहता है, ये उससे बात नहीं करे वो नहीं बात करेंगे, कुछ तोड़ फोड़ कर रहे ये नहीं खाएंगे वो नहीं कहेंगे, ऐसे नहीं करेंगे वैसे नहीं करेंगे, कोई घर छोड़ के भाग जा रहा है, कोई धमकी दे रहा है हम तो छोड़ के भाग जाएंगे, और कोई भाग ही जाता है वगैरह वगैरह। ये जो भी परिवार के अंदर चलता है, जो भी ये ड्रामेबाजी और नौटंकी चलती है ना, उसका प्रभाव बच्चों के ऊपर पड़ता है और फिर बच्चे आपराधिक प्रवृत्ति के हो जाते हैं। देने सौतेलापन, यानी कि अगर बच्चों के सौतेले पिता है, सौतेली माँ है, घर में सौतेले भाई बहन है, तो जाहिर सी बात उनके साथ सौतेलापन का व्यवहार होता है और ये सौतेलेपन का व्यवहार भी उनको अपराधी बना देता है। कई बार अनाथ होना, अगर बच्चे अनाथ हो गए हैं, उनकी माँ नहीं है या फिर उनके पिता नहीं है या फिर दोनों नहीं है, तब यहां भी मैक्सिमम चांसेस होता है कि बच्चे अपराधी प्रवृत्ति के हो जाए। इसके अलावा अल्प या अति नियंत्रण, कई बार क्या होता है कि घर वाले जो होते हैं परिवार वाले होते हैं बच्चों के ऊपर अल्प यानी कि कम, बहुत कम नियंत्रण करते हैं, उनके ऊपर ध्यान नहीं देते और फिर धीरे धीरे बच्चे छोटी मोटी गलतियां करते हैं उनको नजरअंदाज किया जाता है और वो छोटी मोटी गलतियां कब बड़ी बड़ी गलतियों में अगर अपराधी बदल जाते हैं इसका अंदाजा भी नहीं लगता और बालक बालिकाएं अपराधी प्रवृत्ति के हो जाते हैं। और कई बार जब घर वालों की तरफ से यानी कि परिवारों की तरफ से अति नियंत्रण होता है तो एक बात आपको हमेशा ध्यान में रखनी है कि एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज बैड, जरूरत से ज्यादा कोई भी चीज बुरी होती है।
अगर बच्चों के ऊपर जरूरत से ज्यादा नियंत्रण किया जा रहा है, हर बात बात पर उनको डांटा जाता है, मारा जाता है, फटकारा जाता है, उनके में दोष खोजा जाता है और उनको कहा जाता है ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, ऐसे करो वैसे करो, तो फिर इसका असर बालक बालिकाओं पर पड़ता है और धीरे धीरे वे आपराधिक प्रवृत्ति के होते चले जाते हैं। फिर मनोरंजन की कमी, अगर बच्चों को खेलने कूदने का मौका नहीं मिला, उनका उचित और स्वास्थ्य परक हेल्दी मनोरंजन नहीं हुआ, एंटरटेनमेंट नहीं हुआ, तो जाहिर सी बात है वो गलत तरीके से अपने आप को मनोरंजन करने की कोशिश करेंगे और फिर धीरे धीरे वो अपराधी बनते चले जाएंगे। फिर है जरूरतें पूरी ना होना, कई बार बच्चों की जरूरतें ही पूरी नहीं होती है, माता पिता परिवार वाले घर वाले अभिभावक उनकी जरूरतें पूरी नहीं कर पाते हैं, चाहे कारण जो भी रहा हो सकता है कि परिवार वालों के पास बच्चों की जरूरतें पूरे करने की सक्षमता ना हो, या हो सकता है कि सक्षमता हो पर वो कंजूस प्रवृत्ति के हो, अपने कंजूसर महाकंजूसी के कारण बच्चों की जरूरतों को पूरा ना करते हो, या फिर एक अलग ही सोच और समझ रखते हो और अपनी एक अलग सोच और समझ के कारण बच्चों की जरूरतों को ना पूरे करते हो, कारण कुछ भी हो सकता है, चाहे किसी भी कारण से अगर बच्चों की जरूरतें पूरी ना होंगी तो हो सकता है कि बच्चे अपनी जरूरत पूरा करने के लिए गलत कदम उठाएं, जैसे कि घर में पहले चोरी की शुरुआत करें, घर में अगर किसी के पॉकेट में, घर के किसी सदस्य के पॉकेट में या कहीं कोई पैसा रखा हुआ है, चाहे वो किसी भी काम के लिए रखा हुआ हो, उसमें से पैसे चुराएं, या घर से अनाज या कोई अन्य चीज चुरा कर ले जाता हो कि कहीं बेच करके उस अपनी जरूरतें पूरी करें, शुरुआत घर से होगी, फिर किसी और के पॉकेट से चोरी करेंगे या किसी और के घर से या खेत खलिहान से चोरी करेंगे और फिर धीरे धीरे वो बड़े चोरी का काम करने लगेंगे। तो उनकी जरूरतें पूरी नहीं होना भी उनको आपराधिक प्रवृत्ति की तरफ घसीट सकता है, उनकी इच्छाएं या पसंद के विरुद्ध काम करना या करवाना। देखिए हर बालक और बालिका जन्म से ही अति विशिष्ट होते हैं, वो अपने आप में अति विशिष्ट होती है, बात मैं कई बार बोला हूं और फिर बोलता हूं आगे भी बोलता ही रहूंगा कि हर व्यक्ति जो होता है जन्म से ही अपने आप में अति विशिष्ट होता है, बालक बालिकाएं भी अति विशिष्ट होते हैं। तो फिर जब वो अति विशिष्ट होते हैं तो घर वालों को चाहिए कि उनकी भी पसंद और नापसंद का ख्याल करें, बालक बालिकाएं क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते हैं इसका भी ख्याल करें, पहले उस पर विचार तो करें कि बालक बालिकाओं की जो पसंद है या नापसंद है वो उचित है या नहीं है, उनके सारे के सारे पसंद और नापसंद अनुचित नहीं हो सकते, कदापि नहीं हो सकते, कुछ तो उनमें से उचित होंगे, उनके अपनी कुछ जो इच्छाएं होती हैं वो सारी की सारी इच्छाएं अनुचित नहीं हो सकती, कुछ तो उसमें से उचित होंगी, तो जितने उचित होंगे उतने के हिसाब से तो काम होना चाहिए ना, यानी कि बच्चों के भी पसंद और नापसंद के हिसाब से उनकी इच्छा के अनुसार घर परिवार में काम होने चाहिए या फिर उनसे काम करवाए जाने चाहिए, उनकी हर इच्छा को दरकिनार करना, उनकी हर पसंद और नापसंद को इग्नोर करना, नजरअंदाज करना और सिर्फ अपनी ही इच्छा और अपनी ही पसंद और नापसंद बच्चों के ऊपर थोपते रहना फिर ये तो उनको अपराध की तरफ तो लेके जाएगा, कोई नहीं रोक सकता, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों खड़े हो जाए ना तब भी ऐसे हालात में बच्चों को अपराधी बनने से नहीं रोक सकते, हाँ बड़ा अपराधी बनने से रोक सकते लेकिन छोटा मोटा अपराधी बनने से नहीं रोक सकते। फिर उनकी भावनाओं का कदर न होना, अगर घर में घर के लोग ही अपने जन्मदाता ही अपने ही सगे संबंधी अपने अभिभावक अगर बच्चों की भावनाओं का कदर ना करें तो फिर बच्चे अपने आप में हीन भावना व्यक्त लाएंगे, उनके अंदर हीन भावना आएगी और फिर जब हीन भावना आएगी तो फिर उनके अंदर आपराधिक प्रवृत्ति भी आएगी, वो स्वाभाविक है नेचुरल है आएगी आएगी और फिर बच्चे आपराधिक प्रवृत्ति के हो जाएंगे। अरे बच्चे तो बच्चे ही होते हैं ना, उनके पास इतनी सोचने समझने की शक्ति नहीं होती,
कि क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। कई बार तो बड़ों को इसका ज्ञान नहीं होता, अनुभव नहीं होता, तो फिर छोटे बच्चों को क्या होगा, तभी तो बच्चे हैं। तो जब वो बच्चे हैं तो उनको इसका जाहिर सी बात है कि अनुभव नहीं है, तो फिर जब अनुभव नहीं है तो उनकी भावनाओं का कदर नहीं होना, उनके अंदर या तो बदले की भावना आएगी या फिर हीन भावना आएगी या फिर दोनों ही भावनाएं आएंगी। और जब ये भावनाएं आएंगे तो वो तो आपराधिक प्रवृत्ति के होंगे ही होंगे। फिर है संस्कार न मिला। घर वाले यानी कि माता पिता अभिभावक सगे संबंधी अपनी रोजी रोटी कमाने में या फिर किसी अन्य कार्य में इतने व्यस्त रहते कि बच्चों को समय भी नहीं देते, यानी कि बच्चों को उनके माता पिता अभिभावक का साथ नहीं मिलता है, उनके सगे संबंधियों का साथ नहीं मिलता है, और साथ नहीं मिलता फिर उनको संस्कार कौन देगा। किसी भी बच्चे का पहला पाठशाला क्या होता है, उसका अपना खुद का घर। पाली गुरु कौन, माँ। दूसरे गुरु कौन, घर के अपने ही लोग, अपने माता पिता अभिभावक सगे संबंधी, बाद में फिर पड़ोसी, फिर समाज, और तो बहुत बाद में विद्यालय आता है ना। बच्चा जब विद्यालय जाने की उम्र का होगा तब तो विद्यालय जाएगा, तब तो वहां से कुछ ग्रहण करेगा। यानी कि पहला सब कुछ ज्ञान और अनुभव दाता, शिक्षा देने वाला, संस्कार देने वाला, संस्कृति देने वाला या शिष्टाचार देने वाला, अनुशासन प्रदान करने वाला अगर कोई जगह है तो वो तो परिवार ही है। तो जब परिवार ही उन संस्कार नहीं देगा, और क्यों नहीं देगा, क्योंकि उनके पास बच्चों के लिए समय नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि बच्चे आपराधिक प्रवृत्ति के होंगे। चलिए अगला है सामाजिक कर्म। बुरा या दूषित पड़ोस, अगर पड़ोसी बुरा है, दूषित है, तो अपना तो बुरा प्रभाव बच्चे के ऊपर डालेगा ना, उस पड़ोस में रहने सभी बच्चों के ऊपर डालेगा, और फिर उनमें से चांसेस है कि कुछ ना कुछ बच्चे आपराधिक प्रवृत्ति के हो जाएं। अरे हो सकता है कि कुछ बच्चों की समझ ठीक हो, अपने आप को नियंत्रित कर लेते हो, सेल्फ कंट्रोल कर लेते हो, तो वो अपराधी ना हो, पर सारे बच्चे तो ऐसा नहीं होते, कुछ ना कुछ बच्चे तो जरूर आपराधिक प्रवृत्ति के हो जाएंगे। फिर है होटल तथा क्लब। यहां भी कुछ अनुचित क्रियाएं होती हैं, जिन अनुचित क्रियाओं का प्रभाव बच्चों के ऊपर पड़ता है, क्योंकि बच्चे तो अक्सर होटल या क्लब में जाते रहते हैं, या कई बार अकेले जाते हैं, कई बार अपने साथी संगी के साथ जाते हैं, और कई बार अपने अभिभावक या माता पिताओं के साथ जाते हैं। तो जो कुछ भी देखते हैं उसे तो सीखते हैं, गलत देखेंगे तो गलत सीखेंगे, अच्छा देखेंगे तो अच्छा सीखेंगे। तो वहां पर कुछ देखते हैं गलत, तो उसका प्रभाव पड़ता है और वो आपराधिक प्रवृत्ति के हो जाते हैं। देर विद्यालय की परिस्थितियां, अगर विद्यालय की परिस्थितियां ठीक नहीं है, विद्यालय के शिक्षक शिक्षिकाएं बच्चों को सेडन से न पढ़ाते हो, उनके साथ अच्छा व्यवहार न करते हो, बच्चा हो सकता है मानसिक तौर पर थोड़ा बहुत कमजोर हो, मंद बुद्धि का हो, मोटे दिमाग वाला हो, उसके दिमाग में जल्दी कुछ न घुसता हो, नहीं समझ में आता हो, तो फिर उसको उसके लेवल से पढ़ाने समझाने का काम शिक्षक शिक्षिका को करना चाहिए। लेकिन अक्सर क्या होता है, ज्यादातर क्या कहते हैं, तुकदार है, तेरे दिमाग में गोबर भरा, भूसा भरा हुआ, तेरे को नहीं समझ में आ रहा। उसको डराते हैं, धमकाते हैं, बार बात पर उसको बात बात पर क्या करते हैं, मारते हैं, पिटते हैं बुरी तरह से, और पूरे क्लास के सभी अन्य बच्चों के सामने उसको बेइज्जत करते हैं। अगर ऐसा होता है, ये परिस्थितियां ठीक नहीं है, तो बच्चे के ऊपर बुरा प्रभाव पड़ेगा, उसके अंदर हीन भावना आएगी, उसके अंदर बदले की भावना आएगी, और वो फिर तो बिगड़ेगा, और बिगड़ेगा तो अपराध करेगा। हो सकता है विद्यालय के अंदर अन्य बच्चे या शिक्षक या अन्य जो स्टाफ हो उनके अंदर कोई आपराधिक प्रवृत्ति हो, तो फिर उनसे वो देख करके सीख रहे हो, तो ये विद्यालय का जो माहौल है, परिस्थितियां, वो भी बच्चों को अपराधी बनाती हैं। समाज के बुरे लोगों का प्रभाव, समाज में अगर बुरे लोग हैं, नशेड़ी है, भंगेड़ी है, जुआड़ी है, चोर है, डाकू है, बदमाश है, लुटेरे हैं, किडनैपर है, मर्डरर है, या पे धार्मिक प्रवृत्ति के, कट्टर धार्मिक प्रवृत्ति के हैं, एक धर्म के लोगों को दूसरे धर्म के लोगों के खिलाफ भड़काते हैं, उनके अंदर हिंसात्मक प्रवृत्ति डालने की कोशिश करते हैं, इसका सबसे बुरा प्रभाव बच्चों पर ही पड़ता है।
क्योंकि किसी भी व्यक्ति को अच्छी चीजें अपनी तरफ कम आकर्षित करती हैं पर बुरी चीजें ज्यादा आकर्षित करती हैं, और इसके शिकार सबसे अधिक बच्चे होते हैं। तो फिर ऐसे बुरे लोगों का जब प्रभाव पड़ता है तो बच्चे भी आपराधिक प्रवृत्ति के हो जाते हैं। देखें विज्ञापन या सोशल मीडिया, आजकल उल्टे सीधे विज्ञापन न्यूज़पेपर्स में, मैगजीन में, रेडियो पर, टीवी में दिखाई देते हैं ना, जगह जगह उसके बोर्ड, बैनर, होर्डिंग्स, पोस्टर लगे रहते हैं। उसका कुप्रभाव भी बच्चों पर पड़ता है। जो सोशल मीडिया है, इंटरनेट है, टीवी है, मोबाइल है, आजकल तो हाथ हाथ में मोबाइल हो चुका है और घंटों लोग मोबाइल में घुसे रहे, तो बच्चे भी घुसे रह रहे, बच्चों के दिमाग में मोबाइल, मोबाइल में उनका दिमाग ऐसा घुस गया है, और फिर उसका बुरा प्रभाव उनके ऊपर पड़ रहा है। क्योंकि इन सोशल मीडिया में सब कुछ अच्छा नहीं है। अगर आप एक किसी अच्छी चीज को क्लिक करेंगे, सर्च करेंगे ना, तो दर्जनों गंदी और बुरी चीजें भी आ जाती हैं, जो नहीं देखना, नहीं सुनना, नहीं समझना चाहिए, वो चीजें भी आ जाती हैं, अपने आप आ जाती हैं, जब कल सर्च कुछ और कर रहे होते हैं। तो बच्चों के साथ भी सही होता है ना, जब उनके हाथ में मोबाइल होता है या टीवी होता है या फिर कंप्यूटर होता है, लैपटॉप होता है, तो उसका तो बुरा प्रभाव उनके ऊपर पड़ेगा, और पड़ेगा तो आपराधिक प्रवृत्ति तो होंगे। जो फिल्में बनती हैं, टीवी सीरियल बन रहे हैं, उसमें भी बहुत तरह की ऐसी चीजें दिखाई देती हैं, ऐसे दृश्य दिखाई देते, ऐसे कहानियां दिखाई देती, ऐसे बातें दिखाई जाती हैं, जो कि बच्चों पर बुरा प्रभाव डालती है और उनका आपराधिक प्रवृत्ति का बनाती है। फिर है सामाजिक कुप्रथाएं। कुछ सामाजिक कुप्रथाएं भी हैं जो बच्चों पर बुरा प्रभाव डालकर उनको अपराध की तरफ प्रेरित करती हैं। इसका नाम है आर्थिक कारण, यानी कि निर्धनता, गरीबी अगर है तो वो भी कई बार बच्चों को अपराधी बनाती है। गरीबी में उनकी जरूरत पूरी नहीं होती, उनके शौक पूरे नहीं होते, फिर वो अपनी जरूरतों को, शौक को पूरा करने के लिए गलत काम, गलत तरीके से धन अर्जन करना, गलत तरीके से पैसों का इंतजाम करना और फिर अपने शौक और जरूरतों को पूरा करना, तो अपराधी तो बनाएगा बनेगा। देने बेकारी, बेकारी भी उनको आपराधिक प्रवृत्ति की तरफ ले जाता है। अनुपयुक्त अगर व्यवसाय मिल गया है, यानी कि बच्चे के कौशल के अनुसार, हुनर के अनुसार, उसकी योग्यता के अनुसार कोई व्यवसाय नहीं मिला है या उसके घर वालों को नहीं मिला है, तब उसका बुरा प्रभाव बच्चे पर पड़ता है और फिर वो आपराधिक प्रवृत्ति के हो जाते हैं। फिर है मनोवैज्ञानिक कारण, यानी कि बच्चों के दिल और दिमाग पर कहीं से भी किसी भी तरह का असर पड़ा है और फिर दिल दिमाग में ही उनके गलत फहमियां बैठ गई हैं और वो फिर उन गलत फहमियों के शिकार होकर के अपराध की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। शैक्षणिक कारण, यह कारण भी एक बहुत बड़ा कारण है। हमारे देश की शिक्षा नीति कुछ ऐसी है कि पाठ्यक्रम जो तैयार किया जा रहा है बच्चों को पढ़ाने के लिए, उस पाठ्यक्रम में कहीं भी किसी भी विषय में के पाठ्यक्रम में ऐसा कुछ भी शामिल नहीं है जो बच्चों को अनुशासन सिखाए, बच्चों में शिष्टाचार की भावना पैदा करे, बच्चों को संस्कार दे, सभ्यता सिखाए, उनको सभ्य बनाए, उनको सुसंस्कृत बनाए। किसी भी विषय के किसी भी पाठ में या किसी भी टॉपिक में इसका जिक्र होता ही नहीं, किसी भी क्लास में, नर्सरी से लेकर आगे तक की आप क्लासेस देख लीजिए, उनके किसी भी सब्जेक्ट के किताबें ले लीजिए आप, किसी भी पाठ को, किसी भी टॉपिक को उठाकर देख लीजिए, कहीं कोई जिक्र ही नहीं है। सब पाठ्यक्रम में, सिलेबस में इनका कहीं जिक्र नहीं है कि बच्चों को हम शिष्ट बनाए, उनको शिष्टाचार दें, अनुशासित बनाए, उनको अनुशासन दें, हम उनको सुसंस्कृत बनाए, उनको संस्कार दें, सभ्यता और संस्कृति का ज्ञान दें, क्या अच्छा है क्या बुरा है इसका हम ज्ञान दें, उनको अच्छे तरीके से प्रेरित कर प्रेरणा दें, एक सभ्य इंसान बनाए, उनको एक अच्छा मानव बनाए, ह्यूमन बीइंग बनाए, ऐसा कोई ज्ञान और अनुभव और कोई टॉपिक, कोई चैप्टर किसी विषय में शामिल नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि शिक्षक और शिक्षिकाएं भी उसको नहीं पढ़ाते हैं। उनके ऊपर स्कूल मैनेजमेंट का या फिर पेरेंट्स का दबाव होता है सिलेबस कंप्लीट करने के लिए, और फिर जो किताबों में बातें लिखी है बस उन्हीं पाठों को पढ़ाना, उनके ही क्वेश्चन आंसर कराना, उनको ही याद कराना, उनको ही सुनना, उनका ही टेस्ट लेना, बस वो सारा अपना टाइम उसी में निकाल देते हैं।
जब वो उसी में निकाल लेते हैं तो इस पर कौन ध्यान देगा? और नहीं दिया जाना तो फिर तो बच्चे बिगड़ेंगे। घर सिखा नहीं रहा है और स्कूल सिखा नहीं रहा है, सिलेबस में किताबों में है नहीं, सोशल मीडिया है, न्यूज़पेपर है, रेडियो है, टीवी है, मैगजीन है, इंटरनेट है, मोबाइल फोन है, ये तो सिखा नहीं है, ये और बिगाड़ रहे, ये और बुरा अनुशासन, असभ्यता का प्रचार कर रहे, असभ्य बनाए जा रहे बच्चों को, उनके अंदर बुराई है, बुराई भरने का काम कर रहे, तो फिर उनको अच्छा करेगा कौन? इसलिए बच्चे आपराधिक प्रवृत्ति के होते चले जा रहे हैं। चलिए, इतना नहीं और भी बहुत सारे कारण हैं, अब वो आपको सोचने और आपको लिखने और बताने हैं, इतने तो मैंने आपको बताए। अब आपके जहन में सवाल आ रहा है कि इनको हम रोके कैसे, इस बाल अपराध का निवारण क्या है, चलिए उस पर भी चर्चा कर लें। सबसे बड़ा उपाय निवारण यही है कि जो कारण है ना बालक बालिकाओं में अपराध पैदा करने के, उन कारणों को ही दूर कर दिया जाए। अगर कारण दूर हो जाएंगे तो जैसे से बात उनके अंदर अपराधी प्रवृत्ति नहीं आएगी। उदाहरण के लिए जैसे हम वंशानुक्रम को तो दूर नहीं कर सकते, चलिए कोई बात नहीं कर सकते, तो शारीरिक कारण को दूर नहीं कर सकते, पर शारीरिक कारण को दूर नहीं कर सकते पर इतना तो कर सकते हैं कि अन्य लोगों को समझाए और बताए कि ठीक है इस बच्चे के अंदर ये शारीरिक रूप से ये कमी है, पर इसको लेकर के इसको चिढ़ाया नहीं जाए, इसके अंदर ये हुनर भी है, ये कला भी है, यानी कि बच्चे के अंदर जो शारीरिक कमी है उस कमी को छुपा करके उसके अंदर जो एक खासियत है, उसके अंदर जो अच्छाई है, जो हुनर है, जो कौशल है, जो योग्यता है, उसको उभारा जाए, उसको आगे हाईलाइट किया जाए और उस पर चर्चा हो, ताकि उसके अंदर हीन भावना नहीं पैदा हो, उसका उत्साह बढ़े, उसका मनोबल बढ़े, फिर वो आपराधिक प्रवृत्ति का नहीं होगा। ये काम तो कर सकते हैं ना घर वाले स्कूल वाले समाज वाले, इतना तो कर सकते हैं संगत संबंधी, तो ये करें फिर अपराध खत्म होगा। टूटे हुए परिवार तो शायद जुड़ नहीं सकते, पर कोशिश ये हो कि अब परिवार ना टूटे जिसका बुरा असर बच्चों पर पड़े। अपराधी सगे संबंधियों से बच्चों को दूर रखा जाए, ठीक है, माता पिता विवाह का शिक्षित उनको तो शिक्षित नहीं कर सकते, पर कम से कम अगर परिवार में बच्चे अशिक्षित हैं इनको तो शिक्षित किया जाए। अनैतिक परिवार को नैतिकता तो दी जाए, नैतिकता में बदला जा सकता है, नहीं पूर्णता तो आंशिक रूप से तो नैतिक परिवार बनाया जा सकता है, यह काम किया जाए। देन माता पिता विवाह के सभी सगे संबंधी जो बच्चों का तिरस्कार करते हैं तो वो बच्चों का तिरस्कार करना बंद करें, टोटली बंद करें। अगर चाहते हैं कि उनका बच्चा या उनकी बच्ची अपराध ना करें, बाल अपराध ना करें, बाल अपराधी ना बने, तो वो तिरस्कार करना बंद करें। पारिवारिक कलह, परिवार के अंदर जो भी कलह है, चाहे किसी भी गलत फहमी की वजह से हो, चाहे किसी भी कारण की वजह से हो, उस कलह को तुरंत उसको रोका जाए और विलंब रोका जाए और पारिवारिक कलह को खत्म करके बच्चों के ऊपर सकारात्मक प्रभाव डाला जाए। बच्चों के साथ कतई सौतेला व्यवहार नहीं किया जाए, बेशक बच्चे सौतेले हैं तो क्या है, पर फिर भी उनके साथ सौतेलापन का व्यवहार नहीं नहीं किया जाए। अगर चाहते हैं कि वो अपराधी ना बने तब फिर है, बच्चा अनाथ हो गए, शनाथ तो नहीं कर सकते, पर हाँ किसी का साथ दे सकते हैं, कोई व्यक्ति तो आगे है परिवार का या समाज का सदस्य समझ से, जो उन अनाथ बच्चों के सिर और पीठ के ऊपर अपना हाथ रखे, फिर उनको लगेगा कि वो अनाथ नहीं वो शनाथ है और वो आपराधिक प्रवृत्ति से बच जाएंगे। बच्चे के ऊपर ना तो अल्प नियंत्रण रखा जाए और ना ही अति नियंत्रण रखा जाए। डेफिशिएंट ऑफ एनीथिंग इज बैड एज वेल एज एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज बैड, ये आपको ध्यान रखना है। किसी भी चीज की अल्पता और अधिकता दोनों ही बुरी होती है, तो ना तो बच्चे के ऊपर कम नियंत्रण रखा जाए और नहीं जरूरत से ज्यादा रखा जाए, एक उचित नियंत्रण रखा जाए
और उनके ऊपर हमेशा निगरानी रखी जाए, उनको ऑब्जर्वेशन के अंदर रखा जाए, निरीक्षण के अंदर रखा जाए और फिर उनको सही ढंग से आगे बढ़ाया जाए। मनोरंजन के लिए कुछ बहुत बड़ा नहीं कर सकते तो छोटे मोटे व्यवस्थाएं करें और बच्चों को इस तरह से ढालें, इस तरह से समझाएं कि उन छोटी मोटी चीजों में वो अपना मनोरंजन करें और वो कर लेंगे, बस समझाने की देर है। फिर है ना पूरी, तो कुछ तो बच्चों की जरूरत है, जरूर पूरी की जाए, थोड़ी देर से ही सही, थोड़ी विलंब से ही सही, पर उनको समझा के बुझा करके और उनकी जरूरतों को कुछ हद तक जरूर जरूर पूरे किया जाए और फिर उनको आपराधिक प्रवृत्ति अपनाने से रोका जाए। देन बच्चों की इच्छा और पसंद को देखा जाए, उसके ऊपर गौर किया जाए, विचार किया जाए, अगर उनकी इच्छा उनकी पसंद उचित है अनुचित नहीं है तब उसका ख्याल रखते हुए उनकी इच्छा और उनकी पसंद के अनुसार ही काम किया जाए या फिर उनसे काम करवाया जाए, और अगर उनकी इच्छा या पसंद अनुचित है तो फिर उनको बैठा करके प्यार से समझाया जाए कि नहीं ये इच्छा या ये पसंद ठीक नहीं है, इससे तुमको ये हानि होगी और अगर इसको छोड़कर ऐसे करोगे तो लाभ ही लाभ होगा। उनको समझा कर रखा जाए, सीधा इग्नोर नहीं किया जाए। फिर है उनकी भावनाओं का भी कदर किया जाए, वो भी इंसान है, परिवार का हिस्सा है, और आजकल तो हर जगह डेमोक्रेसी की बातें होती है लोकतंत्र की, तो लोकतंत्र में क्या होता है, वही काम होता है ना जो सर्वसम्मत होता है, तो बच्चों को भी सर्वसम्मति में शामिल किया जाए, उनकी भी मत उनके भी विचार को ध्यान में रखा जाए और उनकी भावनाओं का कदर करते हुए पारिवारिक निर्णय लिए जाए, परिवार में कोई भी काम हो। देना है घर के अभिभावक, बच्चों के माता पिता, सगे संबंधी अपने व्यस्त जीवन में से थोड़ा सा वक्त अपने बच्चों के लिए निकालें, बच्चों को साथ दें, बच्चों के साथ कुछ समय बिताएं, उनके साथ हंसें, खेलें, बोलें, बतियाएं, कुछ पूछताछ करें उनकी क्या पसंद है क्या ना पसंद है, उनके कौन दोस्त हैं कौन दुश्मन है, किस तरह के बच्चों के साथ उनका उठना बैठना खेलना कूदना है, संगति है, इसको जाने, बच्चे क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं उसको जाने और फिर उसी साथ निभाते हुए उनके दुख में भी साथ दें, उनके सुख में भी साथ दें और यही साथ निभाते निभाते थोड़ा समय देते देते उनको फिर संस्कार, शिष्टाचार, अनुशासन की बातें भी सिखाएं, उनको सभ्य बनाएं, उनको सुसंस्कृत बनाने की कोशिश करें, उनको सकारात्मक ढंग से प्रेरित करें, फिर बच्चे बाल अपराधी नहीं बने। समाजीकरण में अगर हम लोग बात करें तो बच्चों को दूषित पड़ोस से दूर रखा जाए, हालांकि कोशिश की जाए पड़ोस अगर सुधर जाए तो ठीक है, नहीं सुधरे तो बच्चे को ही पड़ोस से दूर रखा जाए, होटल तथा क्लब से बच्चों को दूर रखा जाए, वहां नहीं जाया जाए, जहां थोड़ी सभ्यता वहां बेशक ले जाए अन्यथा न ले जाए। फिर विद्यालय की परिस्थितियां जो मैंने बताई उनको तो ठीक करना अति 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 आवश्यक है, परम आवश्यक है, बच्चों के लेवल से ही शिक्षक और शिक्षिका विद्यालय में पढ़ाएं, वो जितनी बार में समझे उतनी बार में समझाएं, जिस तरीके से समझे उस तरीके से समझाएं, पर ये कतई ने बोले कि तू गधा है, तू गोबर है, तेरे दिमाग में भूसा भरा है, पूरे क्लास के सामने कभी भी बच्चे को बेइज्जत ना करे, उसको भी अपने मान सम्मान का ख्याल रहता, आत्मसम्मान बच्चे के पास भी है, कभी भी ऐसा नहीं करे, उसको धुतकारे नहीं और बात बात पर उसको डांटे नहीं, मारे नहीं, तोड़े नहीं, फोड़े नहीं, और विद्यालय में पहले से अगर इस तरह से अपराधी पद के कुछ अन्य बच्चे हैं या स्टाफ मेंबर्स हैं तो उनको दूर किया जाए, क्योंकि टोकरी में अगर एक आम सड़ा रहेगा तो सारे आमों को सड़ा देगा, ये परिस्थितियां तो हर हाल में ठीक की जाए। देने बच्चों को बुरे लोगों के प्रभाव से बचाने के लिए हर संभव प्रयास किया जाए, समाज ये भी कोशिश करे, जो भी विज्ञापन है सोशल मीडिया है उस पर तो बच्चों के को कुप्रभाव करने वाली जो भी दृश्य है या ऑडियो है वीडियो है या फोटोज है जो भी है टेक्स्ट है वो ना रहे, उधर से भी कोशिश किया जाए और दूसरी कोशिश ये भी की जाए कि बच्चों को जहां तक संभव हो
अभी विज्ञापन और सोशल मीडिया से बिल्कुल दूर रखा जाए। फिर है सामाजिक कुप्रथाओं को भी सुधारने की कोशिश की जाए, कुछ हद तक तो सुधार किया जाए। आर्थिक निर्जनता को दूर करना पड़ेगा, जो उपाय जितना संभव हो उतना घर वाले करें और अपनी निर्जनता को दूर करने के उपाय लगाएं। फिर है बेकारी को दूर करने का उपाय लगाएं और अनुपयुक्त व्यवसाय को छोड़कर के उपयुक्त व्यवसाय में जाएं। जब बच्चे अगर व्यवसाय करें तो उनको उपयुक्त व्यवसाय में लेकर के जाएं, अपराध पर नियंत्रण होगा। नहीं, मनोवैज्ञानिक कारण की हम लोग बात कर रहे थे, तो बच्चों को मनोवैज्ञानिक तौर पर भी फिट रखने की पूरी कोशिश की जाए। शैक्षणिक कारण यानी कि सरकार, समाज, शिक्षाविद सभी मिलकर के पाठ्यक्रम को जरूर जरूर सुधारें। ये मैं सभी से अपील करना चाहूंगा, जो भी शिक्षा विभाग से जुड़े हुए लोग हैं, चाहे उसके अधिकारी हैं, उसके कर्मचारी हैं, शिक्षा मंत्रालय है, शिक्षा मंत्री है, राज्य सरकार है, केंद्र सरकार है, या आम लोग जन है, विद्यालय और कॉलेज यूनिवर्सिटी का जो मैनेजमेंट है, सभी से मेरा ये करबद्ध अपील है कि आप शिक्षा के पाठ्यक्रम पर ध्यान दें। पाठ्यक्रम में शुरू से लेकर के अंत तक, यानी कि नर्सरी क्लास से लेकर कर ऊपर जितने क्लास तक है, हर क्लास में आप कुछ पाठ्यक्रम में ऐसा डालें जो बच्चों को सकारात्मक ढंग से प्रेरित करें, बच्चों के अंदर शिष्टाचार, अनुशासन, संस्कार, सभ्यता और संस्कृति डालें। ये चीज जरूर डाल, जब वो पाठ्यक्रम में रहेंगे ना तो फिर टीचर्स उनको जरूर 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 पढ़ाएंगे। अगर वो पाठ्यक्रम में है तो जाहिर सी बात है हर छोटे बड़े टेस्ट एग्जाम में भी उनमें से क्वेश्चंस आएंगे और उस लिहाज से भी बच्चे पढ़ेंगे। यानी कि स्कूल में भी पढ़ाया जाएगा, कॉलेज में पढ़ाया जाएगा, यूनिवर्सिटी में भी पढ़ाया जाएगा, कोचिंग और ट्यूशन में भी पढ़ाया जाएगा, घर पे भी अगर माता पिता बच्चों को थोड़ा समय देते हैं, उनका होमवर्क कराते पढ़ाते तो वो भी पढ़ाएंगे। यानी कि एक बार सिलेबस में आ जाएगा तो हर कोई उस पर ध्यान देगा और बच्चे भी ध्यान देंगे, तो जिससे ना 100% तो कुछ हद तक तो जरूर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। एंड समथिंग इज बेटर देन नथिंग। इसीलिए एक बार फिर से मैं सभी से करबद्ध अपील करना चाहूंगा कि इन चीजों को सिलेबस में जरूर 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 शामिल किया जाए। फिर है चलिए, तो ये तो हो गया, अभी हमने चर्चा किया कारणों पर ही, उसी में आ गया परिवार द्वारा उपचार, जो परिवार से संबंधित कारण थे वहां पर उपचार परिवार कर रहा है, जो सरकार द्वारा कुछ उपचार है और जो सामाजिक कारण थे उस पर उपचार समाज करेगा, शैक्षणिक जो कारण थे शैक्षणिक नियंत्रण अभी बता दिया, वहां से सुधार होगा, निवारण होगा, रोकथाम होगी बाल अपराध पर, और जो मानसिक कारण थे उसके लिए मनोचिकित्सकों द्वारा इलाज किया जाएगा, इनके जो साइकियाट्रिस्ट हैं उनसे उनकी सेवाएं ली जाए और उनकी मदद से बच्चों के अंदर जो आपराधिक प्रवृत्ति बढ़ रही है उसको रोका जाए और बाल अपराधियों को सुधारा जाए। अब सरकार द्वारा कुछ उपचार, इसके लिए किशोर न्यायालय की व्यवस्था की जाए और किशोर जहां पर बच्चे भी अपने लिए न्याय मांगने जाए, चाहे उनके लिए कोई और न्याय मांगने के लिए जरूर जाए और उनको न्याय मिले। प्रोबेशन, ये होता है कि बाल अपराधियों को कारावास में नहीं डाल करके, जेल में नहीं डाल करके, उनके माता पिता के साथ उनके घर पर ही रहने दिया जाता है, पर उसके साथ साथ जो पुलिस है वो उनके ऊपर अपनी नजर बनाए रखती है, निगरानी करती रहती है, उनका निरीक्षण करते रहती है, ताकि जहां कहीं भी कुछ गलत करें तो उसको करेक्ट किया जा सके। सुधार गृह, नाम जैसे है वैसे इसका काम है, इसके अंदर बच्चों को रख करके उनको सुधारा जाता है, बाल अपराधियों को रख करके सुधारा जाता है, और कुछ इसी तरह का काम बोस्टल विद्यालय भी करते हैं। तो ये सारे कदम सरकार के द्वारा उठाए जा सकते हैं। तो डियर ट्रेनिंग टीचर्स, आज चाइल्ड साइकोलॉजी बाल मनोविज्ञान के अंदर हमने जो टॉपिक उठाया वो बहुत ही अहम टॉपिक है, बाल अपराध यानी कि जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी। इसकी परिभाषा पर हमने चर्चा की, इसके कारण पर हमने चर्चा की, इसके उदाहरणों पर हमने चर्चा की और कारण के साथ साथ इसके निवारण पर चर्चा की।
तो मैं समझता हूं कि सारी बातें आपको बखूबी समझ में आ गई होंगी, और अगर एग्जाम में ये प्रश्न आता है तो आप बहुत ही सटीक और बढ़िया आंसर लिखेंगे और अधिकतम अंक लाने की कोशिश करेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट।